दोस्तों, अक्सर हमारी आदत होती है कि हम खाने को गर्म करके खाते हैं। कभी कभी हमारी मजबूरी होती है और कभी हम जानबूझकर चीजों को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ खाने की ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप उन्हें गर्म करके खाते हो तो उससे भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें बार बार या फिर दोबारा गर्म करके नहीं खाना या फिर पीना चाहिए। जिसमें सबसे पहली चीज है, वह है आलू। आलू को दोबारा गर्म करने से कई तरह के खतरे पैदा होते हैं, क्योंकि यह एक स्टार्च से भरपूर फूड होता है और इसे आप दोबारा गर्म करते हैं तो इससे एक केमिकल बनता है जो शरीर में किसी जहर की तरह काम करता है। आपको सेहत से जुड़े खतरों से बचने के लिए आलू को दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आलू को मक्खन, दूध और क्रीम जैसी चीजों के साथ स्मैश किया जाए और दोबारा गर्म किया जाए तो इससे बीमार पड़ने का खतरा दोगुना हो जाता है। अगली चीज है, वह है दोस्तों चावल। चावल खाना शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पसंद ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग बचे हुए चावलों को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कई कच्चे अनाजों में बैसिलस सेरियस नाम का एक बैक्टीरिया हो सकता है जो अनाज को पकाने के बाद भी नहीं मरता और खाने को जहरीला बनाने का कारण बन सकता है। चावल में भी यह विषाणु टेम्परेचर के साथ बढ़ सकते हैं, जिस वजह से दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज है, वह है चाय। चाय को दोबारा गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद तत्वों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और कुछ महत्वपूर्ण गुण नष्ट भी हो जाते हैं। चाय पत्तियों के ताजगी, विटामिन और अन्य पोषक तत्व उबालने के दौरान कम हो जाते हैं, जिससे चाय का पोषण मूल्य मूल रूप से नहीं मिल पाता। दोबारा गर्म की गई चाय अधिक कैफीन को उत्पन्न करती है, जो सोने में परेशानी पैदा कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। और साथ ही अत्यधिक कैफीन का सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसके अलावा चाय को दोबारा गर्म करने पर इसमें एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे पेट की समस्याएं आदि होने लगती है। इसलिए चाय को दोबारा गर्म करके ना पिएं, जितना पीना हो उतना ही चाय एक बार में बनाया करें। अगली चीज है दोस्तों अंडे। काफी लोगों को ब्रेकफास्ट या फिर लंच में, यहाँ तक के डिनर में भी अंडे खाना खूब पसंद है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसे दोबारा गर्म करने पर वे बढ़ने लगते हैं, जिसे खाने से उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और बुखार आदि की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर अंडे को सही टेम्परेचर पर नहीं रखा जाता है तो इसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और आपके खाने में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया और रोगाणुओं के होने की वजह से वह जहरीला हो सकता है। अगली चीज है दोस्तों, वह है पालक। यह ऐसी सब्जी है जिसे बार बार या फिर ज्यादा गर्म करने से आपके स्वास्थ्य पर बेहद खतरनाक प्रभाव पड़ सकती है। दरअसल इसमें मौजूद नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा गर्म होने पर अत्यंत खतरनाक हो जाती है। पालक में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन भी होता है और जब इसे दोबारा गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऐसे ऑक्सीडाइज आयरन से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको पालक भी कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों मशरूम। मशरूम को दोबारा गर्म करने पर उसमें मौजूद प्रोटीन की कमी हो सकती है, क्योंकि गर्मी से प्रोटीन का कंपोजिशन बदलता है। मशरूम में मौजूद प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है और मशरूम जो है प्रोटीन के साथ साथ खास अमीनो एसिड का भी सोर्स होता है, जो शरीर के लिए हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब हम मशरूम को पहली बार पकाते हैं तो उसमें प्रोटीन की सही मात्रा होती है जो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन जब हम मशरूम को दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें प्रोटीन का कंपोजिशन बदलता है, जिससे इसकी क्वालिटी कम होने लगती है। दोबारा गर्म किए गए मशरूम का सेवन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट की समस्याएं हो सकती हैं। 7वें नंबर पर हम कुकिंग ऑयल के बारे में जानेंगे। दोस्तों जब हम तेल को गर्म करते हैं तो इसमें विभिन्न रासायनिक बदलाव होते हैं जो आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। तेल को दोबारा गर्म करने से ये सैचुरेटेड फॉर्म में आता है और टॉक्सिन्स आदि पैदा होने लगते हैं, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स और इसमें होने वाले बदलाव के कारण सेहत को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा तेल को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से उसमें मौजूद पोषक तत्व और गुणों की भी कमी होने लगती है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि तेल का इस्तेमाल एक ही बार हो। तो दोस्तों ये 7 चीजें जिनको दोबारा गर्म करने की भूल नहीं करना है।